हेलो एवरीवन, मिथिलाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सनई के फूल की सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, हेल्दी भी होती है, बेसिक मसालों से बनके तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 250 ग्राम के तकरीबन ली हूँ बिल्कुल फ्रेश ताज़ा सनई का फूल, और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इधर मैं एक भगोने में रखी हूँ 1 लीटर के तकरीबन पानी, और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी और नमक। पानी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें अब मैं सनई का फूल डाल दे रही हूँ, और इसको एक उबाल आने तक मैं उबाल लूँगी। तो यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखा है। यहाँ पे एक उबाल आ चुका है, अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसका जो पानी है एक्स्ट्रा उसको मैं स्टेनर में छान लूँगी, निकाल लूँगी। ये जो फूल हैं ये भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। और इधर मैं रखी हूँ गैस पे पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में सनई के फूल की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप जब भी बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं, नहीं तो आप किसी भी वेजिटेबल्स ऑयल में बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ आलू, छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हमारा आलू भी फ्राई हो गया है तो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं ली हूँ कुछ साबुत मसाले, जिसमें कि है बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, जावित्री और लौंग और काली मिर्च। आपके पास जो भी बेसिक मसाले हों, जो भी आपके पास मसाले अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इसमें मैं डाली हूँ 1 बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सारे साबुत मसाले अच्छे से भुनने के बाद हमने प्याज और हरी मिर्च डाली थी। और यहाँ पे मैं ली हूँ कुछ मसाले, जिसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और यहाँ पे है गरम मसाला, और 1 चम्मच है सब्जी मसाला। और इन सभी मसालों को मैं थोड़ा सा पानी डालते हुए और इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। जब आप इस तरह से मसाले का घोल तैयार करके और इस सब्जी को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इधर हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसमें मैं अब मसाले डाल रही हूँ, और मसाले के साथ मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक कि जो तेल है वो सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखा है, क्योंकि मसाले डाली हूँ तो बहुत हाई फ्लेम पे मसाले को नहीं भुनना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और यहाँ पे ली हूँ 2 टमाटर बड़े साइज़ के, और इसकी मैं प्यूरी तैयार कर ली हूँ। तो मसाला जो है अच्छे से भुन गया है, तो इसके साथ मैं इसमें डाली हूँ टमाटो की प्यूरी, और इसके साथ मैं मसाले को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूंगी। तब तक भूनूंगी कि जो इसमें तेल है वो अलग ना हो जाए। जब भी टमाटो प्यूरी डालें तो मसाले को अच्छी तरह से भूनना चाहिए, नहीं तो एक खट्टेपन का टेस्ट आने लगता है, तो इसका ख्याल रखें। इसमें मैं डाली हूँ नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पे हमने ढक दिया है और ढक के मसाले को पकने दूंगी। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है, टमाटो प्यूरी भी पक गई, इसके साथ जो ऑयल है वो अलग हो गया है। अब मैं इसमें डालनी हूँ जो सनई का फूल हमने बॉईल करके रखा था, उसको मिक्स कर दूंगी। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी यहाँ पे फ्राई किया हुआ आलू, और अच्छी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक ढकूंगी, ढक के पकाऊंगी, ताकि जो मसाले हैं वो सब्जी में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं।
सनई के फूल की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि फूल में खुद का ही मॉइस्चर होता है। जब आप मसाले में ऐड करते हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो पानी होता है वो निकलता है, तो उसी के साथ सब्ज़ी पक जाती है। फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल की हूँ, बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला है। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में चलाती रहूंगी, चेक करती रहूंगी। तो यहाँ पे हमने फाइनली चेक किया है तो हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी भी होता है। तो आई होप कि आप सभी को सनई के फूल की सब्जी रेसिपी पसंद आएगी। और यहाँ पे जो साबुत मसाले हमने डाले थे उसको मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि साबुत मसाले का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, तो सब्जी में ज़्यादा देर रखने से अलग खुशबू आने लगती है। और यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ।